क्या सपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी सांसद वरुण गांधी? समाजवादी पार्टी की लिस्ट हुई वायरल, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें पीलीभीत से बीजेपी सांसद को सपा का टिकट दिए जाने का दावा किया जा रहा है। सपा की इस लिस्ट में तीन नाम है, जिसमें वरुण गांधी का नाम भी है। इस लिस्ट के आने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लिस्ट में तीन नाम शामिल है, जिसमें वरुण गांधी को सपा के टिकट पर फिर से पीलीभीत से उम्मीदवार बनाने का दावा किया गया है। उनके अलावा जौनपुर से श्रीकला रेड्डी और मछली शहर से रागिनी सोनकर को टिकट दिए जाने की जानकारी दी गई है। श्रीकला सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है। इस लिस्ट के आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी सांसद वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या वो इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी से उनका टिकट कटना तय हो गया है, आखिर इस दावे की सच्चाई क्या है। तो इसका जवाब अब खुद समाजवादी पार्टी की ओर से आया है। सोशल मीडिया पर वरुण गांधी को सपा का टिकट दिए जाने के दावे पर सपा का बयान आया है। समाजवादी पार्टी ने ऐसी किसी भी लिस्ट के आने से इनकार किया है। पार्टी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वायरल हो रही है वो फर्जी है, उससे सावधान रहें। सपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कहा, कृपया सावधान रहें। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची पार्टी पेज पर ही प्रेषित की जाती है। जो सूची पार्टी के एक्स और फेसबुक पेज पर है वह अधिकृत है, अन्य सभी सूचियां फर्जी हैं। दरअसल वरुण गांधी अक्सर अपने पार्टी विरोधी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जिसके बाद से ही चर्चा है कि बीजेपी इस बार उनका टिकट काट सकती है। बीजेपी ने अभी पीलीभीत से अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है और न ही सपा की ओर से इसका ऐलान किया गया है। चर्चा ये भी है कि अगर वरुण गांधी की टिकट कटता है तो सपा उन्हें मैदान में उतार सकती है, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पर लिस्ट वायरल हो रही है वो गलत है।